के लिए 2851 मशीन है, ठीक है? ठीक है। इसके लिए आपने इसको नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, ठीक है, नेटवर्क केबल से, ठीक है, जैसे हमने कराया इलेक्ट्रिक लगाने के बाद। फिर आप इसके बाद जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर आप इसमें देखेंगे आईपी क्या आ रही है इसकी, ठीक है। ओपन नेट एंड नेटवर्क एंड शेयरिंग में आके चेंज एडाप्टर सेटिंग में, ठीक है, यहाँ लाइन हमने लगाई हुई है लोकल एरिया कनेक्शन में। यहाँ हम इसका स्टेटस देखेंगे, स्टेटस में आएंगे डिटेल में। इसने आईपी ये उठाई है, ठीक है, 169.254.189.184, ठीक है। ये आईपी अब हम डालेंगे अपनी मशीन में। और लास्ट वाली हम 200 कर देंगे, ज़रूरी नहीं है लास्ट वाली आगे पीछे कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 255.255.000, इसको हमने ऐश करके यहाँ से सेव करवाया, यहाँ से ओके किया, ठीक है। एक ये इसने प्रोग्राम देगी, इसकी आईपी सेव हो जाएगी। उसके बाद हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है, इसकी कनेक्टिविटी क्या आ डल गई आई पी, कनेक्टिविटी हो गई या नहीं। यहाँ आना है हमने विंडो आर पे, रन पे आके इसको हमने जो है ना पिंग लिखना है। पिंग लिखने के बाद हमने इसकी वो आईपी डालनी है 169.1.2, आईपी आ गई है वैसे, ऑटो इसने उठा ली 254.189। इसको यहाँ से हम आईपी डाल के फिर इसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो ये हमें कनेक्टिविटी दिखा देगा, ये रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये कनेक्टिविटी आ रही है। उसके बाद फिर हमने आना है गूगल में, गूगल हो या इंटरनेट एक्सप्लोर हो, यहाँ आके हमने इधर ऊपर आईपी देनी है इसको 169.254.189.200। यहाँ से इसका हमने वेब पेज खोलना है, वेब पेज खोलने के बाद हमने इसको लॉगिन कराना है यहाँ से, ठीक है, लॉगिन के एडमिन से यूज़र